हमने ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे लिखा है CAA और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए CAA नहीं होगा। और उधर मोदी जी, तो प्रॉब्लम है आप भी ठीक करके देता हूँ। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को देश भर में लागू कर दिया है। अब बोल CAA पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, घर में पड़ोसी के हल्ला हो गया। हेलो, कई सालों से चले आ रहे हंगामों के बीच आखिरकार देश में CAA लागू हो ही गया। जहां एक तरफ विपक्ष बुल्ला और लिब्रांडू इसका मातम मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों से आए शरणार्थी। बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ, हम दुख देखे वो हमारे बच्चे नहीं देखे, नहीं 20 साल हो गया, हमारे बच्चे को अभी नागरिकता मिल जावे, हम मोदी सरकार की बहुत आभारी है, हमारे माँ बाप है। मोदी जी आपको पता नहीं, आज एक भगवान है, मोदी जी ने जो किया है ना ये सैकड़ों साल तक नहीं हो सकते भाई साहब। हमारे को तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी को हम प्रणाम करते हैं, हमारे लिए तो मोदी का रूप राम राम के जैसा है। अब भाई एक तरफ दूसरे देशों से आए शरणार्थियों को मोदी जी में राम नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं में इनको क्या नजर आ रहा है? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। और भाई नजर आए भी क्यों ना, जब बात हिंदू सिख ईसाई जैसे शरणार्थियों की आती है तो इन बंदों को उनमें चोर डाकू बलात्कारी नजर आते हैं। ये का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे, नौकरियाँ कहाँ से देंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, चोरियाँ, डकैतियाँ, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। लेकिन बात जब इनके हमदर्द रोहिंग्याओं की आती है तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्ला है। कहाँ से हो आप? बर्मा का। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली सरकार कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है, चावल भी तुरा दिया है। अच्छा बिजली भी चाहिए? बिजली बिजली आ रही है। भाई ये तो खुजली बाल की हराम जादगी है, बंदा खुद तो रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाकर फुल सुख सुविधाएं दे रहा है, लेकिन अगर बीजेपी दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने के लिए CAA लाती है तो उसके विरोध में यही आम आदमी पार्टी। हम CAA के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। अरे वो खिलौना मना खलना है की तातिया बिच्छू, तुम लोगों के विरोध करने से होगा क्या? कोई फर्क पड़ता है का? कोई भूकंप आएगा का? और भाई ये आम आदमी पार्टी इकलौती नहीं है, भारत में ऐसे और भी कई पप्पू पिंकी लिब्रांडू गांडू थे जो शुरू से ही CAA के विरोध में थे, जिनका CAA को लेकर कहना था ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कम्युनल एक्ट है। ये NRC में इतने डरावने प्रोविजंस हैं। मैं पर्सनली बहुत अपसेट हूँ इस पूरे CAA से। मतलब इन लिब्रांडू बॉलीवुडियों को CAA का सीन नहीं पता होगा, फिर भी बंदों ने देश के मुस्लिमों के अंदर इसके अंदर जहर घोला कि पूरे देश का माहौल ही बिगड़ गया। और अब जब भारतीय मुस्लिमों को इसके बारे में सही जानकारी मिली तब ये CAA कानून जो लागू किया है ये नागरिकता देने का कानून है, ना के नागरिकता लेने। और ये नागरिकता उन लोगों को मिलेगी जो पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से यहाँ आए हैं, तो उसमें दे हमें तो कोई परेशानी है नहीं। यहीं के लोग थे, सब यहीं के थे, बंटवारे के वक्त वो हारे गए, वो अब वापस आ गए हैं, उनको नागरिकता मिल रही है और हम समर्थन कर रहे हैं इस बात को, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन भाई देश में कुछ बंदे अब भी ऐसे हैं जिनको CAA कानून लाया जा रहा था तब भी समस्या थी, और अब जब इन्हें CAA में शामिल नहीं किया गया तब भी समस्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, तो वो मुसलमानों को बुला के क्यों नहीं नागरिकता दे रहे हैं? ये सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता देने की बात क्यों हो रही है? जब CAA कानून के अंदर सारे धर्मों को शामिल किया गया तो मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया? भाई वो इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम बहुल्य देश है, भला मुस्लिमों को मुस्लिम देश में रहने में कहां दिक्कत होने लगी? दिक्कत तो अल्पसंख्यकों को होगी ना। और अगर तुम्हें लगता है मुस्लिम देश में मुस्लिमों को ही पहला जा रहा है तो फिर ये क्यों कहते फिरते हो? इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इससे पहले मैं वो धोती खोलना शुरू करूँ, उससे पहले समझने की कोशिश करो, यहाँ बात हो रही उन देशों के अल्पसंख्यकों की जिनकी इन देशों में ये हालत है। मेरा नाम हर्षी है, मैं यहाँ पे पूजा करता था, मंदिर साफ करता था, भजन सुनता था, और आज हमारे साईं का मंदिर तोड़ दिया इन्होंने, तो हमको दुख हो रहा है। क्यों तोड़ा? हमने क्या बिगाड़ा था इनका? आज हमारा भगवान नहीं है, मेरे भगवान को गैप कर दिया। ये लोग बर्दाश्त करे, हम लोग भी कुछ नहीं कर, मैं मेरे मजहब के लिए खड़ी हूँ। জিনিস আসিল নিয়ে গেছে।
जब हम यहाँ से उतरे खाना खाने दूसरी दुकान पे गए तो 5 मिनट के अंदर बस यहाँ पे धमाका हो गया। देखता हूँ कि मेरी दुकान से धुआं निकल रहा है। हमारा पीछे गुरुद्वारे के घर है। अभी गुरुद्वारे की खबर हो गए कि इधर अटैक हो गए, हम आ गए जल्दी। इधर 18 बंदे गुरुद्वारे में था, उधर गुरुद्वारे की अगले सेट में जो हम साए अनना वो घर में घुस गए अनुभवती लोग। एक सविंदर सिंह जी रह गया बाथरूम में, वो शहीद हो गया और 3 लोग जख्मी हो गए और गुरुद्वारा ज्यादा खराब हो गया। ये तो इन देशों में अल्पसंख्यकों की हालत है, लेकिन मजाल है विपक्ष में बैठे किसी नेता का इनके लिए दिल पिघल जाए। हाँ, लेकिन बात जब रोहिंग्याओं की आती है तो सारे के सारे विपक्ष के नेता खबरदार बाप है हमारा। मतलब भाई पूरे विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं, किसी देश ने रोहिंग्याओं को शरण नहीं दी, लेकिन हमारे देश के विपक्ष के नेता इन बंदों को शरण देने के लिए हिंदुओं को गालियां बकने को तैयार हैं। बंदों को हिंदू सिख शरणार्थियों में चोर डाकू बलात्कारी नजर आ रहे हैं, जबकि इन्हीं अल्पसंख्यकों की पाकिस्तान जैसे देशों में हालत। गेहूं काटते थे, मजदूरी तक भी कोई नहीं देता था। बच्चे हमारे पढ़ाते नहीं है, धर्म हमारे कराते नहीं है, कमीर घर नहीं देते, किसी मंदिर में जाते तो मारते हैं। बच्चे उनको पढ़ाने भेजते हैं तो आगवा करके ले जाते हैं और अग्नि संस्कार करने नहीं देते वहाँ पर। वो 8-9 साल की लड़कियाँ हो जाती है, उसे हमें घर में छिपा के रखते हैं, क्योंकि वो लड़कियाँ बुरी नजर से देखते हैं। अगर अगवा करके ले जाते हैं तो 20-25 दिन अपने घर में रख के बाद में आके कोर्ट में पेश करना। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। और भाई पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप पाकिस्तानी हिंदुओं से ही सुनो, पानी ऐसे हाथ में पिलाते हैं क्योंकि हम इंसान तो हमारे को समझते नहीं है। उधर बहुत खाली बस थी, एक और औरत थी और एक मेरी दोस्त थी मेरे साथ। मैं उस औरत के साथ जाके बैठी ना तो उसने फौरन सीट छोड़ के आगे चली गई। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी वो मुझसे लेकर कुछ खाती पीती नहीं थी। हिंदू भाइयों को इसमें देते हो आप, फिर उधर बैठ के खाएंगे। प्लेटां च नहीं देंदे हिंदुओं, तुसी नहीं काटते हिंदुओं के बाल, तुसी क्यों नहीं काटते है? भाई आप खुद सोचो, ये बंदे कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों में अपने दिन गुजारते होंगे। अब जाकर इन्हें हिंदुस्तान में थोड़ी सहूलियत मिली तो देश में मौजूद कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत हो गई। उनका शरणार्थियों के लिए कहना है, उसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? अगर उनके साथ मुस्लिमों को भी लाया जाए तो हो सकता है कि उनके साथ साथ हमारी भी तादाद बढ़ेगी। मतलब भाई इनका खेल तो पूरा तादाद पर ही टिका हुआ है। इन्हें समस्या CAA से नहीं, इन्हें समस्या है हिंदुओं की तादाद से। तभी तो ये बंदे CAA का विरोध और रोहिंग्याओं का समर्थन करते नजर आते हैं। अब भाई आप खुद समझ सकते हो कि देश में इस कानून की कितनी जरूरत थी। हालांकि अभी CAA ही आया है, NRC तो अब भी बाकी है। वो मोटा भाई ने कहा था ना, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAA भी आने जा रहा है, CAA भी आने के बाद NRC आएगा, और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। और जिस दिन NRC आया देश में पता है रोहिंग्या। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पहलम पहलाई का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद लें देशद्रोहियों की ठुकाई का। वो मैं कहता हूँ ना पोरियों और देशद्रोहियों को पहलने की। एक फन वे में भी ना बहुत सारी चीजें बताई गई हैं आपको, और ये समझो कि जो देश बने ही इस चीज पे थे कि वो धर्म के नाम पर बना दिए उन्होंने वो देश। आज मतलब ये इनका कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि उनको भी ले आओ तो देश को ही ना मिला ले फिर बॉर्डर करके भी है जो सोकॉल्ड अखंड भारत की बात करते फिर वही ना बना ले। लेकिन यहाँ पर बात वो नहीं, यहाँ पर है कि माइनॉरिटीज को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, जो पीड़ा के शिकार थे, जिनका मिसबिहेव करा गया, मतलब जिनके मतलब वहां पर बहुत ही तकलीफ थी, वो आए उनको देने के लिए। और ये पाकी उछलता है सबसे पहले कि भारत में हमारे उन पे जुल्म और अपने यहाँ नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। और ये चीज है, और यहाँ वही चीज दिक्कत ही है कि भारत में लोग समझना नहीं चाहते। भारत में तो हर इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर दिया गया हर एक चीज भाई, वहां पर माइनॉरिटीज के लिए। अब जैसे इंडिया में है जो अगर गरीब रेखा से नीचे है या फिर जिसको नहीं हो पा रहा है जिससे उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट करते हैं, बॉर्डर खोल दो और एक बार कह दो जिसे जाना है ना, जिसे पाक और ये सब देश आने का नहीं, जाने के लिए करना कर दो, आने के लिए नहीं, पूछ आने के लिए क्यों, वो मानसिकता नहीं चाहिए। बहुत मजेदार वीडियो था। जिनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा ना कि भाई क्यों मुस्लिम्स को क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि मुस्लिम्स ने पहले ही इंडिया का पार्टीशन करके अपना देश बना लिया है, अब वहीं पे उनको रहना पड़ेगा, वहां से अब तुम यहां नहीं आ सकते। जो समझदार मुस्लिम थे वो यहां रह गए, इसलिए आजकल उनकी जिंदगी अच्छी बीत रही है। अगर वो वहां गए होते तो उनका भी वही हाल होता। जो वहां गया है वहां रहता है,
वो यहाँ अब नहीं आ सकता क्योंकि उसने हमारे देश के दो टुकड़े किए थे। अब बोलना है जो बोलना है बोलो, और अगर तुम यहाँ देश में बैठ के ये बोलोगे कि वो उस देश से वहां से तुम उनको क्यों नहीं बुलाते हो, तो भैया उनको तुम ये तो तुम अपने ख्यालों में भी छोड़ दो कि वो आ सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो तुम जा सकते हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। देखिए, अच्छी बात यह है कि इन्होंने सीधी बात बताई है जो और लोग बताना नहीं चाहते। वो बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं उनको प्रॉब्लम इससे इसलिए है क्योंकि उनको ये है कि नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हिंदूज की बेसिकली, और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हाँ, क्योंकि और बाकी उनकी, सिख सुख भी तो आ उनकी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। उनको प्रॉब्लम बस यही है कि तुमने वो प्रोसेस कर दिया जिसमें नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाए, उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े, मतलब उनका उनका एम ये और उनका दिमाग ऐसा है कि हमें इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा के ज्यादा करनी है, मेजोरिटी उनका सिर्फ ब्रेन उसी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स ऑल देयर इज। कैसे लोग हैं ये नहीं देख रहे कि जो लोग जो कंट्रीज पहले इंडिया के साथ थी उस वक्त जो है वहां पे जो मेजोरिटी रिलीजन है वो ठीक है, जो माइनॉरिटी रिलीजन पे अत्याचार हो रहे हैं सिर्फ वही लोग आ रहे हैं ना। आप कैसे बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी आ जाएं, वो तो फिर जब पार्टीशन हुआ था लोगों ने डिसाइड कर लिया था कहाँ जाना है। तो उनको जो है साधारण इंसान के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि तुम्हारा नंबर